बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अज़र इकबाल और आप देख रहे हैं रियल टाइम जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हाज़िर हूं। आज की खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक जिन्होंने पास कर ली है 80% मार्क्स के साथ और आला तालीम हासिल करने की माली इस्तनाद ना रखते हों, उनके लिए लम्स यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल NOP, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। NOP में दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 29 मार्च 2023 है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम NOP पाकिस्तान के इन मुस्तहिक और बासलाहियत तलबा तलबात को आला तालीमी मौके फराहम करता है जो लम्स में तालीम हासिल करने की माली साथ ना रखते हों। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के जरिए 100% तालीमी वज़ाइफ़ और इजाफी तालीमी इमदाद फराहम की जाती है जिसकी अहलियत है मैट्रिक या ओ लेवल में कम अज़ कम 80% नंबर हों। अहलियत के मेयार पर पूरा उतरने वाले तलबा तलबात के लिए दरख्वास्त के मराहल दर्जा ज़ैल हैं। इनके 4 मरहले हैं जी। पहले मरहले में आपने इनकी समर कोचिंग में शमूलियत इख्तियार करनी है जिसके लिए ये लिंक दिया गया है NOPSCS.lums.edu.pk। यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे या ऑनलाइन पुर करेंगे। उसके बाद दूसरे मरहले में मुंतखब उम्मीदवारों को 2 हफ्ते की कोचिंग सेशन के लिए लम्स मदऊ किया जाएगा। जो ये सेशन गर्मियों की छुट्टियों में रखा जाता है और सफरी अखराजात के अलावा तमाम अखराजात लम्स बर्दाश्त करता है। सेशन में शिरकत किसी भी तरह लम्स में दाखिले या वजीफे की जमानत नहीं है। तीसरा मरहला दाखिली इम्तहान। जो उम्मीदवार कामयाबी से कोचिंग सेशन मुकम्मल करेंगे लम्स इनकी एक दफ़ा के दाखिली इम्तहान की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करेगा। चौथे मरहले में लम्स एडमिशन फॉर्म है। कोचिंग सेशन कामयाब उम्मीदवारों का अगला मरहला लम्स में दाखिले के लिए वेबसाइट admissions.lums.edu.pk के जरिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दायर करना है। वो तलबा जो तमाम मुतय्यन करदा नसाब और तलीमी मेयार पर पूरा उतरते होंगे उनके लिए लम्स NOP स्कॉलर बन सकते हैं। अब लम्स में 4 स्कूलों के मुख्तलिफ शोबाजात में किसी में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। 4 शोबे उन्होंने रखे हैं। एक BSc ऑनर्स है, एक BA ऑनर्स है जिसमें 8 सब्जेक्ट हैं, फिर BSc ऑनर्स हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट ये रखे गए हैं, उसके बाद BS है जिसमें सारे साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथ, इकनॉमिक्स, फिज़िक्स वगैरह। उसके बाद ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग लॉ करना चाहते हैं उनके लिए ये 4 इनके अलग अलग कॉलेजेस हैं। एक है, पहले का नाम है सलमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, उसके बाद मुश्ताक अहमद गामनी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, उसके बाद तीसरा इनका साइंस का जो है कैंपस उसका नाम है सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद चौथा है लॉ से रिलेटेड शेख अहमद हुसैन स्कूल ऑफ लॉ BA LLB ऑनर्स, मतलब BA भी हो जाएगा साथ में और LLB भी हो जाएगा। तो ये हर साल लम्स स्पेशल प्लेटफॉर्म है लम्स का, जो हर साल स्कॉलरशिप आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो माली इस्ताद नहीं रखते लेकिन आला तालीम के ख्वाहिशमंद हैं। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, तो इसमें अप्लाई करें। अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं आपके बच्चे के तो इसके लिए अप्लाई करना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपका बच्चा मास्टर कर जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।